खुश सर्दी के बाद नमोनिया से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 9 अमवात। लाहौर में नमोनिया मजीद 2 बच्चों की जान ले गया। पंजाब में नमोनिया के मजीद 180, लाहौर में 55 केसेस रिपोर्ट। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना चाहते हैं। निगरान वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम यकीनी बनाएंगे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। आज़ाद उम्मीदवार आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाएं, कोई रुकावट नहीं आने देंगे। किसी ने हमारे इदारों की तरफ बुरी नज़र से देखा तो इनका हाल 9 मई वालों जैसा होगा। नूली का 27 जनवरी को पार्टी मंशूर जारी करने का ऐलान। पाकिस्तान को नवाज दो 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नूली का अभियानिया होगा। आवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे शामिल। इकतदार संभालने के फौरी बाद बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ के मंसूबों का ऐलान मुतवक्। नौजवानों को सबसे ज़्यादा मराहत मिलेंगी। लाइफ स्टॉक ज़रात को मंशूर में बुनियादी हैसियत हासिल। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 44 सीटें फाइनल। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों के बाद फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की 14 सीटों के लिए 267 उम्मीदवार मद मुकाबिल। सूबाई असम्बली की 30 सीटों के लिए 813 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। NX-120 में सबसे ज़्यादा 27, NX-118 में सबसे कम 18 उम्मीदवार मद मुकाबिल। PP-161 में सबसे ज़्यादा 46, PP-150 में सबसे कम 13 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन में सबको मौका मिलना चाहिए। ज़ाती तौर पर समझता हूं कि बल्ले का निशान छीन लेना ठीक नहीं। IPP के 50 उम्मीदवार पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीद है हमारे MNAs और MPs बड़ी तादाद में जीतेंगे। सदर इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए थे। 15 करोड़ की गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले के लिए पेट्रोल का एक ही रेट ज़्यादती है। जिनका दावा था मामला तय है, इनका हाल अवाम ने देख लिया। गरीबों की शमसी तवानाई पैदा करके 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी असलम गिल ने कहा कि 21 जनवरी को पता चल जाएगा कि हल्का 127 इसराफ सिर्फ बिलावल का विटोखा है। नून लीग के तरह जलसिया नहीं कर रहे। इलेक्शन करीब आते ही सियासी डेरों की रौनक बहाल। उम्मीदवार अपने वोटर्स का रख रहे हैं खास ख्याल। वोटर्स के दिल जीतने में मसरूफ। वोटर्स के भी नखरे, कहीं वोटर्स इंतखाबी उम्मीदवारों से नाराज तो कहीं तरक्याती काम ना करवाने के शिकवे। उम्मीदवारों के वोट और सपोर्ट के लिए बड़े बड़े वादे। पंजाब पुलिस ने इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए फंड्स मांग लिए। इलेक्शन कमीशन से खाने पीने, पेट्रोल और दीगर अखराजात के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए देने की इस्तदा। इलेक्शन ड्यूटी पर पंजाब पुलिस के 1,30,000 जवान तैनात होंगे। पोलिंग स्टेशन की स्कीम भी इलेक्शन कमीशन को अरसाल।